शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश जब आमने सामने आए तो करण कुंद्रा ने क्यों तेजस्वी का साथ छोड़कर शमिता का साथ दिया, यानी कि जब बात आई कि जब कभी भी करण कुंद्रा मुश्किल समय में होंगे या परेशान होंगे तो वो सबसे पहले अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएंगे, तेजस्वी प्रकाश के पास या फिर शमिता शेट्टी के पास में। यहाँ पर शमिता शेट्टी को चूज किया है करण कुंद्रा ने। जी हाँ, क्या है पूरी खबर चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का जो केमिस्ट्री है वो फैंस को काफी ज्यादा पसंद है। तो वही बिग बॉस के अंदर इनके जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो फैंस के लिए स्पेशल मूवमेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं फैंस का हार्ट ब्रेक करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी का साथ छोड़कर करण कुंद्रा ने दिया है शमिता शेट्टी का साथ, क्योंकि उनको जो है लॉयल बनना था या फिर कह सके कि उन्हें जो है सही का साथ देना था। और जो चीजें थी, यानी कि उन्होंने गेम को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल खेला है। यहाँ पर देखा जाए तो शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो वहीं कंटेस्टेंट्स को बताना था कि जब कभी भी वो मुश्किल समय में आएंगे तो इन दोनों में से किसके पास जाएंगे। यहाँ पर करण कुंद्रा ने ये सवाल का बहुत इजीली आंसर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो तेजस्वी के पास नहीं जाएंगे बल्कि शमिता शेट्टी के पास में जाएंगे, और वो गए भी हैं। जब कभी वो मुश्किल समय में रहे हैं तो वो गए हैं शमिता शेट्टी के पास में, और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी की है। कहीं ना कहीं तेजस्वी को यहाँ पर अवॉइड फील भी हुआ होगा, क्योंकि तेजस्वी ने भी काफ़ी अच्छे से उन्हें समझाया था कि पहले अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट कर, और ये सारी चीज़ें जो है तेजस्वी लाइव फीड में नज़र भी आई थी उन्हें समझाते हुए। लेकिन यहाँ पर जो है करण कुंद्रा ने शमिता को टैग दिया है कि वो काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है आने वाले एपिसोड में कि इन दोनों के बीच में जो है इस बात को लेकर एक इश्यू बन जाए। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा, इश्यू बनता है भी है या फिर दोनों जो है म्यूचुअली इसको अंडरस्टैंड करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।